फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज मैं आप लोगों को पिगमेंटेशन के लिए एक पैक बताऊंगी। इस पैक को आपको फेस पे लगाना है। सबसे पहले फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको कोई भी पैक लगाने के पहले या आप स्किन के लिए कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना ज़रूरी है, ताकि आपके फेस में जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सारी निकल जाए। उसके बाद अगर आप कोई पैक लगाते हैं या स्क्रब करते हैं या जो भी चीज़ आप स्किन पे लगाते हैं, तो वो आपके स्किन को ट्रीट करती है। नहीं तो आपकी अगर इम्प्यूरिटीज़ है स्किन में, तो आपके आप जो भी चीज़ लगा रहे हो उसके साथ वो इम्प्यूरिटीज़ भी स्किन में चली जाएगी, तो आपकी स्किन को ट्रीट करने की जगह आपकी स्किन को हार्म करेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिगमेंटेशन का पैक बनाया है। तो ये बहुत ही सिंपल पैक है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई, अगर आपको पिगमेंटेशन हुए, तो उसका रीज़न क्या है। जैसे RBI कहती है ना, जानकार बनिए और सतर्क रहिए। तो जब तक हम जानकार नहीं बनते, जब तक हमें नहीं पता होता है कि हमें किस वजह से प्रॉब्लम है, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। हम कैसे समझेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें ये वाला ट्रीटमेंट लेना चाहिए या इस तरह हमको इस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ की जानकारी रखिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसका रीज़न क्या है। जब रीज़न ढूंढेंगे, तभी उसके सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कुछ एक सिंपल सी रेमेडी आपको बता रही हूँ। उसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, शहद लिया है और विटामिन ई की कैप्सूल ली है। तो ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आप रेगुलर डेली इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी ड्राई हो जाती है इसको लगाने से, तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। नहीं तो आप इस पैक को लगाइए और ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है स्किन पर, और इसको निकाल देना है। उसके बाद हल्का सा मसाज करके आपको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हम फेस पे बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम, जो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी आउटर लेयर कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई विटामिन या किसी न्यूट्रिशंस की कमी है, तो जब तक आप उस कमी को पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किन में ग्लो कैसे आएगा। या आपकी स्किन, हमारा जो चेहरा होता है, हमारी जो स्किन होती है, वो आईना होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अंदर से कैसे स्वस्थ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक मैं आपको यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताने वाली हूँ, एक बहुत अच्छा सा था। आप उसको प्रेस करके भी अपने स्किन का ग्लो बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पैक बनाना बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है, ये मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ली है। अब मुल्तानी मिट्टी में मैं यहाँ पे एक विटामिन ई की कैप्सूल डालूँगी। मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा पैक है कि जिसको ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, पिंपल्स जिनकी स्किन पे बहुत है वो भी लगा सकते हैं। ये सब किसी भी तरह की स्किन हो, ये सभी को ट्रीट करती है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन हर स्किन पर लगाने का तरीका अलग है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर विटामिन ई की एक कैप्सूल डाल दी। आप चाहे तो विटामिन ई की दो कैप्सूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ पतंजलि का हनी ले रही हूँ। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, शुद्ध हनी होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ये हनी मिला दिया है। हनी हमारी स्किन को कूल करता है, रिफ्रेश रखता है और ये इंस्टेंट ग्लोइंग का काम करता है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स के आपकी आपको कहीं जाना है, किसी जगह पे किसी फंक्शन में जाना है, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी करने का, तो ऐसे टाइम पे और आपको कुछ करना है, आपकी स्किन बहुत डल लग रही, ऐसे टाइम पे अगर आप सिर्फ आपकी स्किन पे हनी का पतला सा लेयर लगा लेते हैं 5 या 10 मिनट के लिए, तो आपकी स्किन में एकदम से ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और स्किन की डस्ट भी निकल जाती है।
तो इसका रेगुलर यूज़ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तीनों चीज़ें ले ली है, इनको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। अगर ये पैक लिक्विड ही नहीं बनता है लगाने जैसा, तो आप इसमें रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं या सिंपल वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरा पैक बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इसको लगाने का तरीका है, इस पैक को आपको फेस वॉश करके और फिर इसको लगाना है, और इसको कम से कम 7 या 10 मिनट के लिए इसको फेस पे रखना है। उसके बाद में मसाज करते हुए इसको छुड़ाना है और फेस को वॉश कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे पिगमेंटेशन के पैक की बात। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने एक्यूप्रेशर की बात की थी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फेस होता है, हमारे फेस का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारा थंब। ये जो थंब है, ये हमारा पूरा चेहरा है, ये हमारा पूरा फेस है, ये हमारा फॉरहेड हो गया, ये हमारी आइस हो गई, ये हमारा नोज़ हो गया, ये हमारे लिप्स हो गए। जैसे हम बचपन में हमारे थंब के ऊपर आँखें बनाते थे, नाक बनाते थे, होंठ बनाते थे, कभी कभी कोई कोई बच्चे इसमें मूछें भी बना देते थे और इसको एक फेस का रूप दे देते थे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा फेस है। और हमारी फेस की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये इस थंब को प्रेस करने से, आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी आइस में प्रॉब्लम है, आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, और मैं तो कहती हूँ कि आप पूरे थंब को ही प्रेस कर लीजिए। इस थंब को आप दिन में एक बार आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर पॉइंट है, तो आप 3 या 5 मिनट के लिए इसको प्रेस कर दीजिए थंब को, तो अपने आप आपकी, ये एक्यूप्रेशर है तो अपने आप आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ रेगुलर करनी। तो ये था आज का टिप्स और ये आज का वीडियो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा चैनल कैसा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी या फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए प्रेशर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।